नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं श्री राम कुंज कथा मंडपम रामघाट अयोध्या के महंत आचार्य सम्मानित श्री रामानंद दास महाराज जी। महाराज जी, आपका स्वागत है आत्मीय मनिंदा ने प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा के भीतर। आपसे हम ढेर सारी बातें करना चाहेंगे, विश्व हिंदू परिषद की, आप बजरंग दल में भी रहे हैं, वहाँ भी आपने खूब काम किया है, आपका एक जीवन है, आपका एक आध्यात्मिक सफ़र है, वहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे। आपका बाल्यकाल कैसा था, किस तरह आप अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करते हुए आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ गए, क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? देखिए, ईश्वरीय प्रेरणा होती है जी, और पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं जो जीव को भगवान की शरण में लाते हैं जी। तो 17 वर्ष की आयु में जी हमने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया और फिर यहाँ विरक्त जीवन में आ गए। बिल्कुल, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपने शुरुआत की अध्यात्म की राह पर चलने की, पथ पर? शुरुआत तो पहले बाल्यावस्था के जो संस्कार रहे होंगे जी, वो जो भी हों, लेकिन जब हम इस मार्ग में आए गृहस्थ आश्रम का त्याग करके जी और विरक्त आश्रम में गुरुदेव की शरण में आए जी, तो यहीं से आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है जी। उससे पूर्व के आध्यात्मिक जीवन का कोई महत्व नहीं है। किस तरह का आध्यात्मिक आपका एजुकेशन हुआ है, किस तरह के? हमने पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट किया है संस्कृत से जी, और MA किया है संस्कृत से। ओके, ये हमारा क्वालिफिकेशन है। आप बजरंग दल में भी रहे कहीं ना कहीं? हाँ, 1984 से विश्व हिंदू परिषद का जब आंदोलन प्रारंभ हुआ जी, तो उस समय हम लोग काशी में थे जी, और बजरंग दल के विशेष सदस्य के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र जी राष्ट्रवाद की ध्वजा को लेकर के हम लोग सर्वत्र जाते थे जी, और जहाँ भी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित होते वहाँ बजरंग दल के लोग जाते, तो उसमें अपने राम भी जाते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। आप अयोध्या में बन रहे राम जन्म भूमि पर मंदिर के कहीं ना कहीं एक योद्धा के रूप में देखे जा सकते, आपने राम जन्मभूमि का पूरा के पूरा एक आंदोलन अपनी दृष्टि से बहुत करीब से देखा है, विश्व हिंदू परिषद के आप मार्गदर्शन मंडल में भी शामिल है 96 से, किस तरह आंदोलन को आज स्मरण स्वरूप आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, कितनी शिद्दत से आप जैसे संतों ने उस आंदोलन की अगुवाई की, समय समय पर काफ़ी विपरीत, काफ़ी चुनौती भरी घड़ियाँ भी आई और उसे आपने कहने के राम जी के आशीर्वाद से पार भी किया, किस तरह बखान बया करना चाहेंगे आंदोलन के रूपरेखा? इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि लंबे काल से, लगभग 500 वर्षों से जो गुलामी का ढांचा अयोध्या में हमारे देश की छाती पर विराजमान था जी, उसके लिए अयोध्या वासियों ने कभी भी समझौता नहीं किया। बिल्कुल सही बात। श्री काशी वासियों ने समझौता करके विश्वनाथ मंदिर नया बना लिया जी, और मथुरा वृंदावन में भी समझौता हुआ और दूसरे मंदिर का निर्माण हुआ। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अयोध्या में श्री राम हमारी संस्कृति के प्राण हैं जी, राम जी सारे विश्व के ही नहीं अनंत ब्रह्मांड के स्वामी होकर के लोगों को अपने चरित्र से शिक्षा देते हैं। बिल्कुल, इसलिए आक्रांताओं ने जो उनके मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ ढांचा खड़ा किया था, वह ढांचा हम लोगों को वर्षों से सालता रहा। बिल्कुल सही कहा। और उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए, लाखों संतों ने और वहाँ के लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया। बिल्कुल सही कहा। ऐसी दशा में हम सभी इस प्रतीक्षा में थे कि वह कब दिन आवे जो गुलामी की जंजीरों से जो हम जकड़े हुए थे उसका प्रतीक चिन्ह स्वतंत्र भारत होने पर भी हमारी छाती पर विद्यमान है वो दूर हो जी। उसके लिए संघ बड़े लंबे काल से जागृति में लगा हुआ था और विश्व हिंदू परिषद ने जब ये बीड़ा उठाया जी, तो हम लोगों को ये आशा जगी जी, कि निश्चित ही अब वो दिन दूर नहीं है और हम श्रीराम जन्मभूमि को प्राप्त करके रहेंगे जी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, आंदोलन बढ़ता गया, परिणाम ये हुआ कि 84 में वहाँ ताला खुला और ताला खुलने के बाद आंदोलन और गतिमान हुआ जी, जिसमें माननीय श्री अशोक सिंघल जी, जी एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में अयोध्या के दिगंबर अखाड़े के महंत श्री रामचंद्र परमहंस जी, जी
गोरक्षपुर पीठ के श्री महंत श्री अवैद्यनाथ जी महाराज और श्री मणिराम दास छावनी पीठ के श्री महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज, ये चारों स्तंभ के रूप में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुआ बनकर के चले आगे बढ़े। और ऐसे महापुरुषों में इन लोगों ने स्वप्न देखा था कि हम इस आंदोलन को सफल करेंगे और आंदोलन सफल होता गया। इन सभी लोगों के जीवन काल में ही सन 1992 में वह ढांचा दूर हुआ। ये बिना श्री राघव की कृपा के संभव नहीं था। बिल्कुल सही कहा। जो लोग भी जो कुछ कहते हों वो कहते रहे। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की जो घटना हुई जिसमें गोली चली उसमें हम लोग भी थे और मस्जिद के ऊपर उस ढांचे के ऊपर चढ़ करके झंडा फहराने में हम लोगों का वीडियो सब जगह आया और काफी दिनों तक चला। उसमें बहुत से लोग मारे भी गए लेकिन फिर भी आंदोलन ठंडा नहीं हुआ। उसमें और भी गति आई। अशोक सिंघल जी भी घायल हुए। कालांतर में वो ढांचा जब समाप्त हुआ तो हमें ये आशा थी कि हम बड़ी सहजता से श्री राम जन्मभूमि के उस मंदिर को बनते हुए अपने जीवन में देख सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, सरकारें आईं, चलती चली गईं और आज वह दिन हमारे सामने उपस्थित हुआ। देश में एक ऐसा साधु जीवन वाला मनीषी प्रधानमंत्री के रूप में आया, क्या बात है, जिससे कि लोगों को, समस्त भारतवासियों को, विशेष करके हिंदुओं को यह लगा कि अब हम निश्चित ही अपने राष्ट्रवाद की ध्वजा को विश्व में स्थापित करने में समर्थ होंगे। संघ के प्रयास से, विश्व हिंदू परिषद के आंदोलनों से, बजरंग दल के सहयोग से आज हम उस राम जन्मभूमि आंदोलन में सफलता प्राप्त किए। इसमें नेतृत्व की भी प्रधानता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज, उनको भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सहयोग मिला वह अपने में अभूतपूर्व है। आज अयोध्या वर्षों से जो उपेक्षा का शिकार थी वो बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल सही। अयोध्या में विकास के वो सारे सूत्र हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का, नींव खोदने का कार्य प्रारंभ हो गया है। हमारे महापुरुषों ने जो उसमें सहयोग किया वह आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा। खेद की बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वर्तमान काल के जो सबसे बड़े स्तंभ चार थे उनमें श्री पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज जी, श्री अशोक सिंघल जी, जी और श्री दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस जी, जी हम लोगों के बीच में इस समय नहीं है जी, लेकिन एक स्तंभ के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष परमादरणीय वंदनीय श्री महंत नित्य गोपाल दास जी हमारे बीच में विद्यमान हैं और हमें ये आशा है कि वो उस मंदिर का निर्माण होते हुए देखेंगे। यद्यपि वे कोरोना के कारण किंचित अस्वस्थ से हो गए थे लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है राघव की कि वो अपने चार स्तंभों में एक स्तंभ के सामने ही अपने मंदिर को उनको दिखाना चाहते हैं और वो स्तंभ भी विद्यमान है जी। तो ये हमारे लिए एक बड़े गौरव की बात है और हमारा राष्ट्रवाद, हमारा हिंदुत्व, हमारी वैदिक परंपरा अब पुनः अपने नए स्वरूप को प्राप्त करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। कितना सार्थक मानते हैं आपके मानव जीवन को, इतना विलक्षण क्षण आप देख रहे हैं, आंदोलन से प्रारंभिक काल से आप जुड़े रहे, आप उस ढांचे के ऊपर भगवा पताका लहराने में भी आप सबसे अगुवाई करते नजर आए थे, कितना सार्थक मानते अपने मानव जीवन को? नहीं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हम जिनके लिए गृह का त्याग किए, जो हमारे जीवन के आधार हैं, जो हमारे प्रेष्ठ हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनके मंत्र का हम जप करके अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, जिनकी मंत्र की साधना में केवल हम नहीं लाखों भक्त और संत लगे हुए हैं, आज उस देवता का अनुग्रह हम लोगों को प्रत्यक्ष दिखता है कि बिना भगवान की कृपा के कोई कार्य संभव नहीं है। बड़े बड़े संकट आए और सारे संकटों को झेल करके भी आज श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनने जा रहा है और पूरा भारत दिल खोल करके
यहाँ तक कि विश्व के हिंदू जो लोग हैं, अन्य धर्मावलंबी भी, वो ये मानते हैं कि संपूर्ण विश्व की संस्कृति के अगर कोई नायक हैं तो वह श्री राम हैं, और उनका मंदिर भारत के हृदय स्थल अयोध्या में बने और उससे पूरे विश्व को एक संदेश जाए कि श्री राम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे वह सिद्धांत पूरे विश्व को संदेश रूप में दिया जाए, ये परम आवश्यक है और हम लोगों के लिए इससे बड़ा गौरव और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से अपना जीवन सार्थकता की ओर आगे बढ़ रहा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने का कार्य, निर्माण का कार्य जो है अच्छी गति भी पकड़ चुका है। आप जैसे संतों का कृतित्व ही था कि भारत भूमि को कहे कि असत्य पर सत्य की विजय हुई है कहीं ना कहीं अभिभूत करती है। यहाँ जो आयोजन हो रहा है इंदौर में माखन किशोरी जी के मंदिर में, किस तरह का यज्ञ का आयोजन किया गया है, क्या यज्ञ का नाम है, किस तरह इससे देवी अहिल्या की नगरी को सकारात्मक प्रतिसाद मिल सकता है? हमने जो इतिहास में पढ़ा है उसमें अहिल्याबाई होलकर जो थी वो इस नगर की स्थापिका रही हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है, और वे भगवान श्री राम की परम भक्ता थी। ऐसी रानी के नाम से जो ये नगर बसा है, इस नगर में सर्वप्रथम यहाँ भगवान श्री राम का त्रिपाद विभूति के रूप में, तीन आवरणों के रूप में जो श्री रामार्चन महायज्ञ होता है उस यज्ञ का आयोजन हुआ, और उसमें अखिल भारतीय 13 भाई त्यागी के श्री महंत परमादरणीय परम वंदनीय श्री महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज जो हमारे बीच में विद्यमान हैं, उनके महद अनुग्रह से दास श्री बर्फानी धाम में आया और वहाँ श्री रामार्चन किया। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव परम वंदनीय साकेत वासी पंडित श्री राम बल्भाशरण जी ने ही इस रामार्चन पूजन को प्रकट किया था, और उन्होंने श्री रामार्चन के माध्यम से लोगों की कामनाओं को सिद्ध भगवान से करवाया, और एक नहीं लाखों लोग हैं जिन्होंने श्री रामार्चन पूजन करके अपने मन की कामना को पूर्ण किया। मेरे गुरुदेव के गुरुदेव यानी बाबा गुरु ने राजाओं को शिष्य बना करके, जिनका वंश नहीं था, रामार्चन करा के उन्हें 1, 2, 3, 4, 5 पुत्र प्रदान किए, और आज भी लगभग 1,000 एकड़ से भी अधिक भूमि हमारे गुरुद्वारे के नाम से राजाओं की आज भी प्राप्त है जी। और उसी परंपरा में होने के कारण मैं भी अपने गुरुदेव के पदचिन्हों पर चलता हुआ उस विशिष्ट श्री रामार्चन महायज्ञ के आचार्य के रूप में, पूजक के रूप में, सेवक के रूप में यत्र तत्र जाता हूँ। लेकिन इंदौर नगर में आने का जो मुझे सौभाग्य मिला उसमें परम वंदनीय 13 भाई त्यागी, अखिल भारतीय 13 भाई त्यागी के श्री महंत श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज का आदेश था और उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं आया। इस श्री रामार्चन महायज्ञ में भगवान श्री राम की सांगोपांग उपासना होती है जी। हम जैसे रुद्राभिषेक करते हैं तो शिव जी का पूजन कर देते हैं, लेकिन इसमें भगवान श्री राम की जो पूजा होती है तो अनंत ब्रह्मांड में जैसे भगवान श्री राम दिव्य साकेत में विराजते हैं जी। तो उस ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न लोक अपने अपने जगह पर स्थित हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक, वरुणलोक, कुबेरलोक, तो वहाँ के देवता विद्यमान हैं। तो उस ब्रह्मांड की कल्पना हम एक पिंड पर करते हैं, यथा अंडे तथा पिंडे, तो ब्रह्मांड में जो है उसको पिंड पर कल्पना करके और जो लोग जहाँ स्थित हैं उनको उस वेदी पर हम प्रतिष्ठित करते हैं, और भगवान श्री राम के अंगभूत जितने देवता है, गौरी गणेश शक्तियाँ और उनके परिकर, उन सब का पृथक पृथक अलग अलग विशिष्ट 16-16 उपचारों से इसमें पूजन होता है जी। अंग की पूजा के बाद अंगी की पूजा होती है और सबके बाद अंत में उसी परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम श्री सीताराम जी का विशिष्ट पूजन होता है। 4 अध्यायों में कथा होती है जी। और यह परंपरा विश्व के कोने कोने में आज महापुरुष जहाँ भी वैष्णव रामानंदी संत हैं वो चल रही है। 13 भाई त्यागी की ही परंपरा के परम विशिष्ट महामनीषी इस समय परम पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज हैं जी। जिन्होंने मानसरोवर में, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, विश्व के कई देशों में श्री रामार्चन महायज्ञ किया, और उनको यह संकल्प हुआ है कि मैं वहीं जाऊंगा जहाँ श्री रामार्चन महायज्ञ होगा। तो हमारे पूर्वजों
की परंपरा से प्राप्त यह श्री रामार्चन महायज्ञ भगवान श्री राम की विशिष्ट पूजा है और यहाँ भगवती माँ कनकेश्वरी के मंदिर में परम सम्माननीय श्री रमेश मेंदोला जी के माध्यम से जो श्री तेरा भाई त्यागी के श्रीमंद ब्रजमोहन दास जी महाराज के शिष्य पांडे जी हैं उनके यहाँ आयोजित था, वहाँ वो गए थे और वो देखकर बड़े अभिभूत हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है कि यह माँ कनकेश्वरी के मंदिर में भी पूजन हो। तो श्री रमेश मेंदोला जी के संकल्प के अनुसार यह पूजन, यह श्री रामार्चन महायज्ञ यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और चल रहा है। महाराज जी, जिस तरह से अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, बाकी जिस तरह से आपने महायज्ञ यज्ञ के बारे में अभी आपने बताया, जिस तरह कनकेश्वरी धाम में यज्ञ किया जा रहा है आपकी महाराष्ट्र की अगुवाई में, भारत भूमि का भी वास्तु सुधर सकता है राम जी का मंदिर बनने के बाद, प्रगति हो सकती है, ऐसा कुछ लगता है? निश्चय ही वो तो भविष्य दिख रहा है। आपको ये जान करके जो है खुशी होगी कि जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री मोदी जी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए आए थे, उससे एक दिन पूर्व जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था थी, वहां हम राम जन्मभूमि के उस परिसर में ही जाकर के श्री रामार्चन महायज्ञ कराए और सारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, सरकारी सुरक्षा के बीच में, वहां पर श्री राम जन्मभूमि में ही उस पीठ पर जहाँ भगवान श्री राम की माननीय मोदी जी के हाथों शिलान्यास की शिला रखी गई, वहाँ श्री रामार्चन महायज्ञ हुआ, जिसका ये परिणाम आज दिख रहा है कि पूरा देश आज हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है। तो ये हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से श्री राम जी के नाम पर यह देश समर्पित है, आगे श्री राम जन्मभूमि का मंदिर एक मंदिर ही नहीं होगा, वो राष्ट्रवाद का प्रतीक होगा, वो सारे विश्व को यह संदेश देगा कि राम केवल अयोध्या और संतों के ही नहीं थे, श्री राम संपूर्ण विश्व मानव के हृदय के सम्राट हैं और लोगों को उन्होंने जो शिक्षा दी है वह किसी भी धर्म का प्राणी हो उसके लिए अनुकरणीय और ग्राह्य है। यह अयोध्या में भविष्य में संदेश सबको मिलने जा रहा है। जी, सही बात है, आपने सही आध्यात्मिक चर्चा की है और कहने के अपने मुखारविंद से जिस तरह से संदेश दिया है यज्ञ को लेकर, उसकी खूबियों को लेकर, बारीकियों को लेकर दर्शकों को बताया, आप करने से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, एक आध्यात्मिक चर्चा में आपने हमारे हर सवाल का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।